गुड इवनिंग एवरीवन, शिव गुरु निशान पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ राजमा। और राजमा को बनाने के लिए मैं 6 से 7 घंटे इसको भिगाया है धोकर। और मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलते हैं इसको, मैं तो राजमा बोलती हूँ। और इसको 6-7 घंटे भिगाने के बाद मैं इसको उबाल लूँगी, इसमें सीटी लूँगी 6 या 7। अच्छे से गलना चाहिए तभी अच्छा बनेगा। और इसके लिए फिर मैं एक कढ़ाई में ऑयल लूँगी, उसमें प्याज भून लूँगी। आपको ये प्याज बहुत तेज़ भुनी लग रही है पर ऐसा नहीं है, इसमें परछाई में वो बोल रहा है। इसको वीडियो शूट करने पर थोड़ा ऐसा हो गया। फिर उसके बाद मैं जीरा ऐड करूँगी, जीरा भून लूँगी। इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर डाल के वो भी फ्राई, वो भी हल्का सा भून लूँगी। और उसके भूनने के बाद छोटे छोटे प्याज और टमाटर के जो टुकड़े होते हैं उसको काट के छोटे छोटे उसको भी फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने का आधा ग्लास पानी डाल के ये डाल दिए टमाटर। उसके बाद मैं आधा ग्लास पानी डाल के इसको ढक के 2 मिनट के लिए रखूँगी। उसके बाद जो मैंने राजमा उबाला है, 6-7 सीटी लिए हैं, अच्छे से गला लिया है, उसके बाद मैं वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। और छोटे छोटे पीसेज में मैंने आलू काट के रखे हैं, उसको बिना उबाले मेरे को सादा कच्चे आलू इसको मैं ऐड कर दूँगी। और उसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आँच पर हमें इसको ढक कर इसको अच्छे से पकाना है। देखिए अब हमारा राजमा आलू जो है वो पक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 2 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक काट के। सॉरी ये चीज़ मैं शूट नहीं कर पाई थी। और इसके बाद अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा ये राजमा की रेसिपी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।